वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बना रहे हैं पंचामृत, जिससे कान्हा जी का भोग लगता है और जो हम लोग पूजा करवाते हैं घर में उसमें ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो वही पंचामृत आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बाउल में ले लिया है 1/2 कप मिल्क, और अब ये हम लोग यहाँ पर कच्चा दूध लेंगे क्योंकि उबला हुआ दूध प्रसाद में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये हम लोगों ने लिया है कच्चा दूध 1/2 कप, और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ ये पाउडर्ड शुगर। तो इसमें 2 चम्मच हम लोग पाउडर शुगर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, बट उसके डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए अगर आप पिसी हुई चीनी या बूरे का यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है दूध को मीठा कर देता है। पाउडर्ड शुगर के बाद मैं इसमें डालूँगी मखाने। तो ये हम लोगों ने इसमें मखाने डाल दिए। इन मखानों को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, मखाने डाल दिए हैं, और उसके साथ मैं डालूंगी ये ग्रेटेड कोकोनट। तो ये 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सूखा गोला कद्दूकस किया हुआ। साथ में डालूंगी इसमें किशमिश। इनको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही हम लोग किशमिश डालेंगे। और इसके साथ में मैं डाल रही हूँ ये हैं बादाम, जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, और आप चाहें तो इसमें काजू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ। और अब हम लोग डालेंगे इसमें ये खरबूजे के बीज, जिनको मैंने देसी घी में फ्राई कर लिया है, जिससे इनमें अच्छी क्रंचीनेस आ जाती है और ये प्रसाद में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब इनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और अब मैं डालूंगी गाइस इसमें ये चिरौंजी। अब हम इसमें डालेंगे शहद, और शहद के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगाजल, और अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छे से दूध में सोक हो जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे दही, क्योंकि दूध और दही के बिना ये जो पंचामृत है ये कंप्लीट नहीं होता है। तो अब बस हम इसको मिक्स करके, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं हमारे सोक हो गए थे, तो ये तैयार हो गया है हमारा प्रसाद। आई होप गाइज कि आप लोगों के लिए मेरी ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल रही होगी, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।